This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। कपिल सिब्बल ने पीओके को लेकर कहा है कि अमित शाह ने कहा कि 400 सीट आने पर पीओके पर कब्जा कर लेंगे। क्या 400 सीटें नहीं आई तो पीओके नहीं लेंगे, हमें चाहते हैं कि पीओके जरूर ले। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने के हादसे पर बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने कहा कि यहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें 16 लोगों की मृत्यु हुई है, अब भी 42 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या 16 हो गई है और 2 लोगों की लाश मिली है। सोमवार को घाटकोपर में एक बड़ा होर्डिंग तेज आंधी के बाद गिर गया था। तमिलनाडु के मथुरानाकम में चेन्नई त्रिची हाईवे पर एक बस लॉरी से टकरा गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 15 से अधिक घायल हो गए हैं। पीएम मोदी आज यूपी में ताबड़तोब रैलियां करेंगे। पीएम पूर्वांचल अभियान के तहत यूपी में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। वो प्रतापगढ़, आजमगढ़ के लालगंज, जौनपुर के मछली शहर और भदोई में रैलियां करेंगे। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान के अधिकतर इलाकों में तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है तथा बारिश भी सामान्य से ज्यादा होने की संभावना है। ओडिशा के क्लोंसर जिले के चंपुआ इलाके में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि सभी मृतक एक कार में सवार थे। मृतकों में 4 महिलाएं शामिल है। भारत के महानतम फुटबॉलर और नेशनल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में अब जमीन धंसने का मामला सामने आया है। यहाँ चेनानी के तंधार इलाके में घरों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही है। जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले उन्हें और उनकी पत्नी दोनों को कैंसर हुआ, फिर उन्हें जेल हुई और एक हफ्ते पहले ही उन्हें बेल मिली थी। अब आज उनकी पत्नी का निधन हो गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर फायरिंग मामले में 6ठे आरोपी हरपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे हरियाणा से गिरफ्तार किया है। उद्धव ठाकरे ने नासिक में आयोजित एक रैली में पीएम मोदी पर हमला बोला है। ठाकरे ने दावा किया कि अब मोदी पीएम नहीं बनेंगे। मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगे और बाद में अपना मत बदल दिया। मुंबई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर 6 लोगों ने व्यापारी से 25 लाख रुपए की ठगी की है। शेयर बाजार की आज अच्छी बढ़त के साथ शुरुआत हुई है। आईटी इंडेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों की तेजी के दम पर बाजार में उछाल आया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे का घर लूटने की इमोशनल अपील को लेकर पीएम ने कहा कि अगर आप भी चौराहे पर खड़े होकर ये कहोगे कि मेरा घर टूट गया तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि तुम ऐसे कैसे घर के मालिक हो कि तुम्हारा ही घर टूट गया। मिशन गर्मी के बीच मानसून को लेकर अच्छी खबर आई है। देश में जल्द मानसून अपनी दस्तक देने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने इसकी संभावना जताई है। अदा शर्मा स्टारर बस्तर द नक्सल स्टोरी 15 मार्च को रिलीज हुई थी। फिल्म में अदा शर्मा ने आईपीएस निरसा माधवन का रोल निभाया है। ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। साउथ के सुपरस्टार कमल हसन अपनी आने वाली फिल्म इंडियन 2 को लेकर लगातार चर्चा में छाए हुए हैं। दिग्गज एक्टर के पास कई फिल्में मौजूद हैं, लेकिन इंडियन 2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। गुवाहाटी में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स को पंजाब किंग्स के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान की ये लगातार 4थी हार है और प्लेऑफ से पहले टीम की खराब फॉर्म के अलावा स्टार ओपनर जॉस बटलर के ना होने से टेंशन और बढ़ गई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।